हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग भी देख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थ्री सिस्टर्स। आज हम लोग आए हैं सफारी पार्क, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, और अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि क्या नज़ारा है। बाकी सारे पोस्टर्स वगैरह लगाए हैं कि अंदर आपको स्पाइडर वर्ल्ड में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या फन लगा हुआ है। सो गाइस, यहाँ से हम लोग कौन लेके फिर अंदर चलते हैं। अंदर जाने के तो टिकट भी बंदा 50 रुपये हैं। सो यहाँ से टिकट लेके अंदर चलते हैं, फिर आपको बता क्यों रश भी ज़्यादा है, क्योंकि संडे का दिन है, लोग घूमने वगैरह आए हुए होते हैं, और जो है शाम भी हो रही है, मौसम भी अच्छा है। सो माय गॉड, इस तरह से आपको अंदर जो है गाड़ियाँ वगैरह चलती हुई मिलेंगी, बस और ट्रेन, तो देख भाई के चलें। यहाँ पे जो है मुमताज़ बेगम भी हैं सफारी पार्क की, यहाँ पे आए हैं आप, मुमताज़ बेगम को भी देखें और मिलें इनसे। यहाँ से आप लेफ्ट साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे वैसे सारे गेट हैं, कि आपको मैं कैसे बताऊँ कि किस गेट से आप आएंगे। अगर आप जो पार्किंग वाले गेट से आएंगे तो आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इनू सफारी पार्क मिलेगा, जो कि बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे जो है ये ट्रेन भी चलती है, जो पूरे सफारी पार्क का आपको व्यू कराएगी। तो यहाँ पे जो हम इनू सफारी पार्क पर चलते हैं, इसका जो टिकट है वो ये 100 टिकट लेते हैं। टिकट जो है गाइस हमने ले लिया है, और फिर यहाँ से टिकट लेके हम अंदर की तरफ जाएंगे। ये है इसका एंट्रेंस, और मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ व्यू कैसा होगा अंदर से। अच्छा, ये आपको ब्लू पर्दे बिल्कुल जाली के सामने ही नज़र आ रहे होंगे, ये इस तरह से बिल्कुल फ्रंट की साइड से लगे हुए हैं ये पर्दे, बाहर कुछ साइड से जो है पूरा खुला हुआ है। सो घर से भी जो है गाइस आप लोग अपना खाने पीने का लेकर आएँ, क्योंकि अगर आपको बाहर कुछ समझ में नहीं आया तो ये क्या आपके पास कुछ मौजूद हो रिफ्रेशमेंट के लिए। सो हम जो है मैगी लेकर आए थे बना के घर से, और जो है फिर यहाँ से आगे चल के गए हैं पैदल। सो जो पैदल चल सकते हैं इंजॉय करते हुए तो वो पैदल चले, नहीं तो ये गाड़ी वगैरह है, या तो आप इसका सहारा भी ले सकते हैं। फिर यहाँ से हम जो है ये प्ले लैंड की तरफ आए हैं, यहाँ पर बड़े और छोटे दोनों लोगों के लिए जो है झूले लगे हुए हैं। सो यहाँ पर हम जो है बच्चों को झूला झुलाएँ, जो हमारे साथ आए हुए हैं हमारी फैमिली। सो यहाँ पर हम जो है पाइन वाले झूले झुला के फिर हम बाहर आएंगे, जो कि बड़े झूले हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं इस झूले पे, ओ माय गॉड, इस झूले में तो मैं तो कहती हूँ आप लोग ना ही बैठे, क्योंकि बहुत चक्कर आते हैं यार। एक ही साइड में बिल्कुल गोल 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 और इतना तेज़ चलता है, और बिल्कुल जो है आपको अपनी सेफ्टी खुद ही करनी होगी, क्योंकि रस्सियाँ भी बिल्कुल ऐसी थी कि पता नहीं कि कब टूट जाए क्या हो, क्योंकि ज़्यादा वो मुझे नहीं लगी ना सेफ्टी के लिए। सो अपनी मदद आपके तहत आप इस झूले में बैठें, और फिर उतरें तो फिर आपको कोई सहारा देने वाला हो, आप लोग बैठे हैं कभी इस तरह के झूले में, कहाँ बैठे हैं, किस जगह पे? मैंने सिर्फ यहाँ देखा है सफारी पार्क में ये वाला झूला, और तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया है फिलहाल, शायद मैंने नोट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैंने सफारी पार्क में ये वाला झूला देखा है। मुझे यहाँ वैसे इस पार्क पर इतना मज़ा नहीं आया है, बस एक बार के लिए ये जगह। प्ले लैंड वाली जो साइड है, यहाँ से आपको बिल्कुल सामने की तरफ जो है बिल्कुल ग्रीनरी दिखेगी, बिल्कुल जंगल नुमा एक बना हुआ। सो फैमिली के साथ आप आएँ यहाँ पे ज़रूर, और यहाँ पे ये एक ट्रेन चलती हुई आ रही है, ये ट्रेन जो है आपको पूरा सफारी पार्क का व्यू कराएगी। और फिर यहाँ से हम आगे की तरफ आएँ तो ये फ्लायर लगी है, जो कि ऊपर से जो एक चैन की तरह आप इसमें लटकते हुए जाते हैं एक से दूसरी साइड में। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, और ये कबाब पराठा यहाँ पर है मीरप का। और फिर यहाँ से जो है लेफ्ट साइड में हम गए थे, अभी यहाँ राइट साइड में जो है वो सफारी का ज़ू है, वो भी बहुत अंदर जाके चलना पड़ेगा आपको, अगर आप चलने में स्मार्ट है तो बहुत ही अच्छा है। इस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।